दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, आज हम फिर आपके लिए हिंदी भाषा वाच्य विचार अध्याय 3 भाग 3 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश लेकर आए हैं, जो कि 2011 से 2016 तक की विभिन्न TET टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्तियाँ जो दी गई है, इनके रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर इनके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, UPTET टेस्ट के अंदर 2014 के अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर पूछा भी जा चुका है। आप यहाँ पर सन देख सकते हैं, सन डले हुए इनके ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक किसकी रचना है? तो बीजक रचना है कबीरदास जी की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कबीर। और इसी प्रश्न से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि बीजक कबीरदास जी की जो रचना है बीजक, इसको कौन लेकर भाग गया था? ये भी एक प्रश्न आता है इस टाइप का भी। तो ये भी आप ध्यान रखें कि कबीरदास जी का एक शिष्य था जिसका नाम था भगवान दास। तो भगवान दास जो था वो बीजक को चोरी करके या ले करके भाग गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? तो सूरसागर की रचना कौन सी भाषा में हुई है? ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सान्य का उपनाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये इनको कहा जाता है अज्ञेय, यानी कि अज्ञेय इनका उपनाम है और अज्ञेय को सच्चिदानंद हीरानंद वात्सान्य भी कहते हैं। चलिए अगला है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। अब बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्त सवैया पद दोहा। तो बिहारी के दोहे आपने पढ़े होंगे, तो उसी से यहाँ पर आपको उत्तर ये मिल जाएगा, बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं। अगला है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद जो थे ये थे रीति काल के कवि, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चार शब्द दिए गए हैं, इनके अंदर वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा आशीर्वाद, ये सही है, तो ये शुद्ध शब्द होगा। आगे देखते हैं, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या उत्तर होगा? तो बिना पढ़ा हुआ अंश या वाक्यांश जो होता है उसको हम कह सकते हैं अपठित। जैसे एग्जाम के अंदर अपठित गद्यांश भी आते हैं, तो अपठित का मतलब होता है कि जो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं हो। अब यहाँ पर एक विकल्प डी जो है ये भी दिख रहा है, अपठनी। तो अपठनी जो होगा वो जिसको पढ़ा ना जा सके या जो पढ़ने के योग्य ना हो, तो उसको हम अपठनी कह सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो यहाँ पर कुछ पत्रिकाएँ नाम दिए हैं, कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। ये पत्रिका जो है इसका संबंध इलाहाबाद से है। और इसी पत्रिका के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो ये हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी, ये एक मासिक पत्रिका थी और जिसका प्रथम अंक जो था वो 1877 में प्रकाशित हुआ था। और इसका संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इसका संपादन किया जा रहा था, ये इनके संपादक थे। और फिर इसके अंदर जो बातें हुआ करती थी वो कुछ बातें जो बिल्कुल खरी बातें इसके अंदर लिखी जाती थी, और कुछ बातों से अंग्रेजों ने नाराज़ होकर के एक रचना थी
लिखी हुई है इसके अंदर, तो उस रचना से नाराज अंग्रेजों ने नाराज होकर के इस पत्रिका पर जुर्माना लगा दिया था, और जुर्माना जो था 3,000 रुपये का था। तो उस समय बालकृष्ण भट्ट के पास इतने पैसे नहीं थे, तो इस कारण से उनको आगे जा करके ये पत्रिका जो थी ये बंद करनी पड़ी थी। चलिए अगला देखते हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। जैसे अभी हमने देखा इस प्रकार से इस पत्रिका का संपादक, जैसे यहाँ पूछा गया सरस्वती पत्रिका का, तो उसी प्रकार से आपको हिंदी प्रदीप पत्रिका जो थी उसके संपादक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका जो थी इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी ये। चलिए अगला देखते हैं, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है। तो रामचरितमानस के अंदर कांड का सही क्रम क्या है, जो उसके अंदर कांड दिए गए हैं, तो कौन कौन से कांड किस क्रम में हैं। तो उसके अंदर कांड तो यहाँ पर चार दिए हैं, उसके अंदर 7-8 कांड हैं, तो कुछ कांड को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो उसके अलावा भी यहाँ पर फिर हमें सिस्टमेटिक क्रम से ही इनको देखना है। तो उसका सही उत्तर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। पहले यहाँ पर कांड रहेगा बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड कांड और लंका कांड। चलिए अगला देखते हैं, पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है। काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रेरणादायक प्रश्न है। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन डी तुलसीदास की। पराधीन सपने है सुख नाही का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो व्यक्ति पराधीन रहता है, दूसरों के हमेशा अधीन रहता है, उसे सपने में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उस कार्य को स्वयं अपनी लक्ष्य को स्वयं ही प्राप्त करना चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमें स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो काफी अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी मानस का हंस। मानस का हंस ये उपन्यास है, गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को ही इसके अंदर दर्शाया गया है, लिखा गया है, और ये लिखा है अमृतलाल नागर ने। चलिए अगला देखते हैं, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधी ब्रज गवानी में पावन जबे लगी इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपने 12th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, जब आप पढ़े होंगे तब। तो जो छायावाद होता है, छायावाद को ही स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा जाता है, तो ये कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन टी, छायावाद। चलिए अगला देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन डी। किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो किसी बात का गूढ़ रहस्य जानता हो, उस बात का मर्म जानता हो, तो उसे हम बोलते हैं मर्मज्ञ, ऑप्शन ए। अगला है त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो त्याग पत्र उपन्यास के उपन्यासकार हैं ऑप्शन बी जैनेन्द्र, जैनेन्द्र। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। तो
उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज अब्राहम गिरेसन ने इसको लिखा है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब यहाँ पर चार वाक्य दिए हैं, चार वाक्य को आप देख सकते हैं, इनके अंदर आपको कुछ छोटी छोटी सी त्रुटियाँ देखने को मिल जाएगी। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। फिर यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि के लिए बोला गया है कौन सा शब्द जो है उसकी वर्तनी सही लिखी है। तो चारों को आप देखते हैं तो ये सामान्य से देखने पर ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल हमें सही वर्तनी में नजर आ रहा है। अगला देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा। अब चार रचनाएं दी हैं, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, कामायनी। तो कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कामायनी। मैथिली शरण गुप्त ने कामायनी नहीं लिखी। तो किसने लिखी है, तो ये लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। तो ऐसे भी हमें उस प्रश्न को याद रखना है कि ये कामायनी किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। चलिए अगला देखते हैं, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें इंगित करते रहना, इसके लिए पहला ऑप्शन है जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। तो उसका सही उत्तर भी ऑप्शन ए रहेगा हमारा, जरूरी है, इंगित करते रहना जरूरी है, इससे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। अगला है, संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के चार अध्याय रचना है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, मैंने एक व्यक्ति देखा जो अंधा था, इस वाक्य में जो अंधा था क्या है। तो जो अंधा था ये इस वाक्य के अंदर क्या है, तो ये है ऑप्शन सी, विशेषण उपवाक्य, यानी कि इस व्यक्ति की यहाँ पर विशेषता में मालूम पड़ रही है। अगला देखते हैं, जहाँ इस समय दुकानें हैं वहाँ पहले जंगल था, इस वाक्य में जहाँ इस समय दुकानें हैं क्या है। तो यहाँ पर ये जो शब्द रहेगा जहाँ इस समय दुकानें हैं ये क्या है, तो ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, राजेश ने कहा कि मैं छुट्टियों में घर जाऊंगा, इस वाक्य में राजेश ने कहा क्या प्रकट करता है। तो राजेश ने कहा ये क्या प्रकट करता है, तो यहाँ पर राजेश ने कहा ये एक प्रधान उपवाक्य को प्रकट करता है। अगला है, परीक्षा में चोरी मत करो कैसा वाक्य है। परीक्षा में चोरी मत करो यानी कि यहाँ पर ना मना ही की जा रही है, तो ये एक निषेधवाचक वाक्य रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो हैं ऑप्शन बी, लल्लू लाल जी, ये प्रथम गद्यकार हैं। अगला है, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और अंग्रेज जाने लगे, ये वाक्य है। तो वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो ये वाक्य है संयुक्त वाक्य ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारी हिंदी वाच्य विचार भाषा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। आपने चैनल को इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।